का साथ भी नहीं है, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं है, नहीं है तो हम नहीं है तो हम नहीं है तो क्या? हाँ तो क्या? देखिए मैं तसादुम करना नहीं चाहता, मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलिए। That you are making today is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. But meer vallaki edguru unna vallaki inda time isthe mem 105 mandi unna adhyaksha maakenda time iyala adhyaksha meer ma vallu iddare maatladinu gatta maatladinu aani edguru unna na gatta maatladtu idu ekkada paddhati adhyaksha meer manile sune maine khade utar kaha ke lal darwaze ki mandir ke liye uske extension ka kaam karna hai। चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया कि 20 करोड़ रुपया उन्हें मंजूर किया, लेकिन आज भी वो काम नहीं हुआ। वो काम होना चाहिए, मक्का मस्जिद की तामीर के लिए, रेनोवेशन के लिए मजलिस ने मुतालबा किया, मक्का मस्जिद की तामीर रेनोवेशन का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो कब होगा? मैं ये जानना चाहूंगा। बागान की मस्जिद के लिए किया, यहां के जो इंप्लॉइज है उनके लिए किया, रेगुलराइज करिए, नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर अइमा और मौजूनों को आपने मंथली पैसा देने का ऐलान किया, दे रहे हैं, चार चार महीने तक नहीं मिलती है, खैर देर से मिलती है, मगर अब रमजान का महीना आने वाला है, मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत वक्त पे उनको दे देगी। अच्छा विकास को दे रहे हैं, पुजारियों को दे रहे हैं, हम इसका भी इस्तकबाल करते हैं, देना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये काम जो अच्छे हुए हैं हम उसकी तारीफ करेंगे, जो लेकिन नहीं हुआ वो तो बोलेंगे हम बराबर। वही बात कहना चाहते, आप पूरी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम मुबारकबाद देते हैं आपको। वरंगल का दवाखाना एक साल में मुकम्मल हो जाएगा, मुबारक आपको, अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हैदराबाद में एक उस्मानिया दवाखाना है, वो कब बनेगा? वादा किया था बनाने का, अब तक नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा मीटिंग करिए, बनाइए, सब करिए, बोलते हाईकोर्ट का है नहीं, हाईकोर्ट में भी डालें। व्हाट इज द रियल सैंटिटी ऑफ दिस? के बस देना था, खैर अच्छा हुआ गवर्नर साहिबा आई यहां पर। Sir, the governor's address finalized and approved by the state cabinet is a document which lists out the performance of the state government in the outgoing year and the policies and programs to be taken up in the ensuing year. Looked at from this point of view, the governor's address lacked power and punch, since dismisses most of the achievement of the government in a paragraph or two. You can feel the difference if you compare the text of the governor's address in 21 and now, sir. सर, और ये भी शायद अगर मैं गलत ना हूं तो आई मे बी करेक्टेड कि गवर्नर्स एड्रेस को कैबिनेट अप्रूव करता है और उसके बाद गवर्नर साहिबा के पास या गवर्नर के पास जाता है। पता नहीं अब इस एड्रेस को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है, किया है, ठीक है, किया है तो अच्छा है। सर जब कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है, मैं चाहता था कि आप लोगों की तरफ से आवाज आए, शुक्रिया आपका कि किया है आपने कहा, तो क्या कैबिनेट में भी इस बात का जिक्र तस्करा नहीं होता कि तेलंगाना के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना को उसका हक नहीं दिया जा रहा है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना का जो पैसा है वह तेलंगाना को नहीं मिल रहा है? सर अध्यक्ष अक्बर गारु कैबिनेट लो मीरेम इदि मात्लाडलेदु अदि मात्लाडलेदु अनि चेप्पि मात्लाडडं करेक्ट कादु, सभनु मिस्लीड चेस्तुन्नारु वारु। कैबिनेट लो मेमेम मात्लाडनामो वारिकि चेप्पाल्सिन अवसरं लेदु अध्यक्ष, मेमु समयं संदर्भं वच्चिनप्पुडु प्रजलकु एप्पुडु एं चेप्पालनो मेमु चेप्पुकुंटाम अध्यक्ष। वारु कैबिनेट लो मात्लाडडं गुरिंचि मात्लाडडं असंदर्भं, सभनु मिस्लीड चेस्तुन्नारु अध्यक्ष, दयचेसि वारिकि मीरु सूचन चेयालनि कोरुता उन्नानु। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर